Please subscribe to Kids Zone YouTube channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Kids Zone Pakistan. आखिर का ये जाहिर हो ही गया, आज इसका खात्मा हो जाएगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेड्यूसा ही हेलेना के पेरेंट्स के ऊपर से कर्ज खत्म कर सकती है? आसिया, तुम जरा ये सोचो, अगर वो तुम्हें अपनी नजरों से पत्थर बना सकती है तो इसका मतलब है कि वो शायद उस स्पेल को खत्म कर सकती है। वो मेड्यूसा का क्रिएचर है और बालों की जगह सांप है। सिर्फ पर्सियस ने उसे हराया था और इस काम के लिए उसके पास एक शील्ड है। वो शील्ड हमें चाहिए। शायद हमें मेड्यूसा को ढूंढना ही नहीं चाहिए, अगर उसने हमें भी पत्थर बना दिया तो। मेड्यूसा, क्या तुम लोग मेड्यूसा गोरगोना को ढूंढ रहे हो? क्यों, क्या हुआ? उसको मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। शायद तुम्हें जरूरत है सबसे शानदार और जबरदस्त चमकदार शील्ड जो है पर्सियस द मैग्निफिसेंट की। तुम हमारी मदद करोगे? तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त, और वो ये कि मैं इस यूनिट का लीडर बनूंगा। वो देखो टेल मास्टर, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि वो हमें मिल गया। फैंटेसी पेट्रोल? हाँ, फॉल्स अलार्म। यहाँ तो कोई नहीं है, बस स्टैचूज है। ये तो टेल मास्टर है। बहुत देर हो गई। टेल मास्टर, आप स्टैचू बन गए, हम आपके बगैर क्या करेंगे? ये तुमने क्या कर दिया? ये तो वही है, जल्दी सब अपनी आंखें बंद करो। ये शोर कौन कर रहा है? हमला करो। उसने कहा किया? माने कहा था तुम्हारा राज। आखिरकार तुम लोगों को पकड़ लिया, अब ये बताओ कि हो कौन तुम लोग? फैंटेसी पेट्रोल, आपके चरमें तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये बताएं आप ठीक कैसे हुए? मैं खुद बहुत कंफ्यूज हूँ, किसी ने मुझे कुछ नहीं किया। लेकिन हमने तो आपके चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी। वो तो मैं खुशी से चीख रहा था। मैंने मिस मेड्यूसा से एक स्टैचू मंगवाया था फाउंटेन के लिए, लेकिन लगता है वो मुझे नहीं मिलने वाला। क्या आप वाकई नहीं जानती कि इन्हें स्टैचू किसने बनाया है और मैजिक खत्म कैसे होगा? हाँ, मैं नहीं जानती, मैं कुछ समझी नहीं। हमने विज़र्ड की बुक में भी यही पढ़ा था, हर लिखी हुई चीज पर भरोसा मत किया करो। मैं कोई विलन नहीं हूँ। अगर आप विलन नहीं है तो फिर आपके साथ उन्होंने स्पेशल शील्ड से बैटल क्यों की थी? उस बेवकूफ ने कई सालों पहले मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। हाँ, हर जगह मेरा पीछा किया, लेकिन उसमें गुरूर बहुत था। ओह, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में बात करता था, तो मैंने उसे मना कर दिया। उसने ये बात दिल पर ले ली और सबने ये अफवाह फैला दी कि मैं आर्टिस्ट नहीं बल्कि लोगों को स्टैचू बना देती हूँ। मुझे लगता है आपको भी उसके बारे में कुछ अफवाह फैला देनी चाहिए। लेकिन मैंने उससे इंतकाम ले लिया है। तो तुमने उसे एक शील्ड बना दिया? हाँ, इसके लिए ये सजा सबसे ज्यादा अच्छी है। चलो आप मुझे पहले जैसा कर दो, जल्दी सजा खत्म करो। ये काम नहीं करेगा। लेकिन ये सजा तो तुम भी खत्म कर सकते हो, बस किसी की तारीफ करनी होगी तुम्हें। बस इतनी सी बात है, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत, इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत सिर्फ मैं ही हूँ। मैंने कहा था ना, तुम बिल्कुल नहीं बदले। मिशन पूरा हुआ और चेयरमैनशिप भी। अब ये अपनी जगह अच्छा लग रहा है। शुक्र है टेल मास्टर की नज़र किसी को स्टैचू नहीं बना सकती।